वक्त मैं मौजूद हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट पे, और आजकल सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड में चल रहा है चाय वाली, पटना की चाय वाली। आप लोगों ने भी काफी वो वीडियो देखा होगा, बहुत ही वायरल हो रहा है। और एक लड़की है जो कि जनरल कंपटीशन आईआईटी वगैरह का तैयारी करती थी, और लास्ट में उन्होंने अपना एक चाय का टपरी शुरू किया। ये आपको जैसा मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये बैनर पे लिखा हुआ है चाय वाली, और पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट के जस्ट बिल्कुल बगल में ये है। खैर, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया आने में, इसलिए हम लोग यहाँ से बात नहीं कर पाए। और पता चला यहाँ पहुँचने के बाद कि सुबह से लेकर 2 बजे दोपहर तक ये रहती है, और करीबन अभी 2:10 हो रहे हैं, तो कुछ देर से हम लोग चुप हैं, फिर उनका चाय भी पीते हैं और इनसे आप रूबरू भी कराते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खी में इनका वीडियो और इनका चाय का ट्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने। लड़की होकर महिला होकर एक स्टार्टअप करना, चाय के लिए शुरुआत करना, एक बहुत ही नया सा कॉन्सेप्ट अपने बिहार में देखने को मिला, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक थोड़ा सा बढ़ावा का एक कदम ये आगे बढ़ाएं कि महिलाओं को, लड़कियों को दिक्कत नहीं हो। कोई भी चाय का टपरी हो, दुकान हो, वहाँ पे लड़का का झुंड हो, ग्रुप हो, वहाँ पे बैठा रहता है, चाय सुता, ये सब वहाँ पे चलता है। अगर कहीं ना कहीं लड़कियों को बात सवाल हो चाय पीने का, तो उन लोग को थोड़ा सा वहाँ पे जाने से कतराती हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे शुरुआत किया गया, आपको हम करीब से सैंपल बना हुआ है, चाय वाली लिखा हुआ है, पीना ही पड़ेगा लिखा। ये आप लोग सामने बैनर देख सकते हैं, बैनर पे भी ये लड़की का सैंबल बना हुआ है, चाय वाली लिखा हुआ है, और काफी है, एक नया शुरुआत है। यहाँ पे टैगलाइन लिखा हुआ है, मेन्यू दिया हुआ है, कुल्लर चाय, मसाला चाय, और बाकी सारी जो चाय की वैरायटी होती है। क्योंकि कॉलेज से मान लीजिए लड़कियाँ निकले चाय पीने का उनको दिल करे, तो वो किसी टपरी पे या किसी दुकान पे जाने से थोड़ा सा परहेज करती थी, उन लोगों को यहाँ पे का। और कॉलेज के गेट के सामने, पटना महिला कॉलेज के गेट के सामने लड़कियों को काफी यहाँ पे सुविधा मिलेगा, और काफी एक नया पहल किया गया है। कहीं ना कहीं लड़कियाँ जो घर में कैद रहती थी और एक कदम बढ़ाने से डरती थी, उन लोगों के मन से भी अब डर खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी सही होते जा रहा है। कोशिश तो किए थे कि आए, इनका चाय भी ट्राई करें और इनसे आपको बात भी कराएं, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिलहाल ये नहीं है। मौका मिला तो फिर से एक बार यहाँ पे आएंगे, इनका चाय पियेंगे और आपको भी बताएंगे, इनसे बात भी कराएंगे कि क्या ख्याल आया जो ये यहाँ पे शुरुआत की। फिलहाल अभी दोपहर के करीबन 2:30 बज रहे हैं, 2 बजे के करीब ये चली जाती है। अगर कोई लोग यहाँ पे आते भी हैं तो 2 बजे से पहले आए, नहीं तो फिर इनका चाय आपको पीने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल पटना वुमेन्स कॉलेज के पास से कोशिश तो किए थे कि एक बार फिर आपको हम दिखाएं, लेकिन एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि 2 बजे से पहले आए और इनका चाय ट्राई करके आपको बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा कि इस चीज़ का पहल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और उनको पता चले। तब तक के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक परमार के साथ युवराज चौहान की रिपोर्ट, जय हिंद।